पिछले लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, आज फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को पूरा। हम आपको विशेष फलन का इंटीग्रेशन बता रहे थे, कैसे होता है विशेष फलन का इंटीग्रेशन। तो देखिए, विशेष फलन कैसा होता है, इस तरह से दिया रहेगा आपको। देखिए, विशेष फलन का इंटीग्रेशन किस तरह का इंटीग्रेशन होता है, होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में f x प्लस f डैश x dx, ये होगा। यानी e टू दी पर x बाहर रखिए तो एक फंक्शन ऐसा होगा जो दूसरे फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन होगा, ये f डैश x है। यानी इसका डिफरेंशिएशन यहीं पे प्रेजेंट होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो पहली शर्त क्या है, इसमें e टू दी पावर x जरूर होगा। उसके बाद क्या है, इसको हम कम से कम दो इंटीग्रेशन में तोड़ेंगे तो एक फंक्शन, एक को इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, वो भी अपोजिट साइन के साथ। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो कैसे आता है वो देखिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बात कर रहे हैं हम, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये है क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को एक्स प्लस वन के फॉर्म में लिखेंगे पहले, ताकि ये इसको दो इंटीग्रेशन में चेंज किया जा सके। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, टू एक्स जोड़ के टू एक्स घटा दे रहे हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, जितना जोड़ा हमने उतना ही घटा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया माइनस टू एक्स। थोड़ा सा हम इसको अलग लिख रहे हैं, एक्स प्लस वन इतने को एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख लिया हमने। नीचे वाला क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको हम अलग कर देंगे, हम क्या करेंगे आगे वाले में देखिए, यहीं अलग करेंगे, ये ई टू द पावर एक्स का एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक इंटीग्रेशन हो गया माइनस। दूसरा इसको लिख सकते हैं टू एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो देखिए टू एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स का गुणा करेंगे तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये दो इंटीग्रेशन में टूट गया है, यहाँ पे फिलहाल देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक दूसरे से कट गए, क्या बचा ई टू द पावर एक्स बचा। यहाँ पे टू कॉन्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया हमने और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी भी यहाँ एक फंक्शन जो आया ई टू द पावर एक्स को हटा दीजिए तो वन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक्स, ऐसा नहीं है कि केवल एक्स ही प्रेजेंट है, तो अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी हमें क्या करना होगा, फिर इसको हम नेक्स्ट दो इंटीग्रेशन में और तोड़ेंगे। तो देखिए ई टू द पावर एक्स माइनस टू, अब यहाँ पे हम देखिए नीचे x प्लस वन है, हमें वही लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ के एक घटा देंगे। अब x में एक जोड़ा हमने एक घटाया, तो देख लीजिए यहाँ x प्लस वन माइनस वन अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स है, ये ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया x प्लस वन ई टू द पावर एक्स, देखिए इसको अलग ले लिया, एक साथ हमने x प्लस वन ई टू द पावर एक्स अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस। फिर देखिए माइनस वन को अलग करेंगे हम, माइनस वन ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ ई टू द पावर एक्स को ऐसे ही लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स प्लस वन है, यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है तो एक घात इसका कम हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन माइनस ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे आपका
ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही होता है माइनस टू। अब यहाँ पे देखिए दो इंटीग्रेशन अब आ रहे हैं, दो का हम गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन प्लस, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए अब इसमें से ज़रा चेक करेंगे हम कि ई टू द पावर एक्स को हटा दीजिए तो यहाँ वन अपान एक्स प्लस वन वन है, वन अपान एक्स प्लस वन, और देखेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है क्या, तो देखिए डी डी एक्स ऑफ वन अपान एक्स प्लस वन अगर ये है, यहाँ से देखते हैं अगर देखिए हम डी डी एक्स निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वन अपान एक्स प्लस वन, इसका डी डी एक्स हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन, इसको लिख सकते हैं माइनस वन एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन पे पावर माइनस टू, इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ये अगले इंटीग्रेशन में ही प्रेजेंट है, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला तो ये आ रहा है, तो अगले इंटीग्रेशन में देखिए ये प्रेजेंट है तो इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करेंगे। देख लीजिए यहाँ इस पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करेंगे क्योंकि इसी का भी डिफ्रेंशिएशन निकाला हमने, तो यहाँ वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये यहाँ प्रेजेंट है तो इस पे लागू करिए। अब वन अपान एक्स प्लस वन क्या है, वो एलजेब्रिक फंक्शन है और एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ये पहले आता है टी ए, और ई टू द पावर एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो बाद में आता है, तो हम क्या करेंगे वन अपान एक्स प्लस वन को फर्स्ट फंक्शन और ई टू द पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। मान लीजिए ध्यान देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ई टू द पावर एक्स सेकेंड फंक्शन, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, फिर यही आ रहा है, देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लागू करेंगे। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ e टू द पावर एक्स माइनस टू बाहर ही रखा हमने, अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन यानी वन अपान एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ वन अपान एक्स प्लस वन सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये ऐसे ही लिखते आ रहे हैं प्लस टू ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ई टू द पावर एक्स माइनस टू ब्रैकेट में वन अपान एक्स प्लस वन, ये ब्रैकेट में वन अपान एक्स प्लस वन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू द पावर एक्स होगा माइनस, यहाँ पे आइए वन अपान एक्स प्लस वन का हम डिफ्रेंशिएशन ज्ञात कर रहे हैं, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो वन एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन, तो यही लिखा हमने माइनस वन और वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन होता है, तो एक्स प्लस वन पे पावर माइनस टू, और यही हो जाएगा वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर एक्स होगा डी एक्स, और प्लस टू यहाँ जो इसको छोड़े हुए हैं उसको ऐसे ही लिखते आ रहे हैं टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स यहाँ माइनस टू ब्रैकेट तोड़ रहे हैं हम वन अपान एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स, ये हो गया, फिर यहाँ पे देखिए माइनस वन और एक माइनस का गुणा तो दो बार हुआ, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और फिर बाहर वाले माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, और प्लस यहाँ टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स,
अब यहाँ देखिए सेम इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन ये एक दूसरे से क्या हो गए, कट गए। अब ये इंटीग्रेशन इससे कट गया, यहाँ पे माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स है, यहाँ पे प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स है। तो ये एक दूसरे से कट गए, बचा क्या, ई टू द पावर एक्स माइनस टू वन अपान एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स प्लस कॉन्टेंट सी, क्योंकि इंटीग्रेशन अब ख़त्म हो गया यहाँ, तो एक कॉन्टेंट सी आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं विशेष फलन का जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही लगता है कि जब भी हम करेंगे तो देख लेते हैं कि कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन कहाँ पे है, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ई टू द पावर एक्स में जो है दो फंक्शन होते हैं, तो देख लेते हैं एक का डिफरेंशिएशन दूसरे में रहता है। पहला काम होता है कि इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ लेते हैं, तो आप देखेंगे ई टू द पावर एक्स के अलावा जो एक इंटीग्रेशन में है अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगले में वही दिया रहेगा, या उसी तरह का हम बना लेते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि एक इंटीग्रेशन कट जाता है, आप अपने आप जो है आप एक पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लागू करेंगे तो अगला क्या होता है वो कट जाता है। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या आया, e टू द पावर एक्स माइनस टू वन अपान एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स प्लस कॉन्टेंट सी। तो इस तरह से विशेष फलन के जो समाकलन होते हैं उनको करने का ये मेथड है, और आप इसको एक बार घर पे ट्राई करेंगे, लगाएंगे खुद से, तो ज़्यादा क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी। एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए तो आपको बेटर हो समझ में आएगा। आइए अब एक दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस टेन एक्स इंटू sec x dx ब्रैकेट 1 sec x dx, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए मैंने बताया था विशेष फलन में क्या है, e टू द पावर x होगा ही होगा, देखिए e टू द पावर x ऑलरेडी है यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, दो इंटीग्रेशन में तोड़ना है। अगर आप चाहते हैं तो ई टू द पावर एक्स को यहीं रखिए sec x, और एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम ई टू द पावर एक्स और डी एक्स को रखेंगे, बाकी सबको ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह का, इसलिए बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स, ये आपका हो जाएगा sec x और प्लस sec x tan x, ये हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे एक फंक्शन, ये दो इंटीग्रेशन टूटेगा, तो अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसी पे लागू हो जाएगा e टू द पावर x sec x, वही करने जा रहे हैं हम। देखिए इसको हम दो इंटीग्रेशन में पहले तोड़ रहे हैं, अब देखिए sec x dx और e टू द पावर x, e टू द पावर x का वन में करेंगे तो वही का वह रह जाए, sec x का गुणा करेंगे यानी e टू द पावर वन में करेंगे तो e टू द पावर sec x dx, यहाँ e टू द पावर sec x आ जाएगा, और tan x में करेंगे तो e टू द पावर x tan x sec x, और dx ऑलरेडी रहेगा ही, देख लीजिए यहाँ पे है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये दो इंटीग्रेशन एक तरह से हो गया है, एक तो आपका ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब ई टू द पावर एक्स को बताया मैंने साइड में रखी है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, यहाँ प्रेजेंट है, तो इसी को हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, इसको एज इट इज जैसा वैसा छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए दो इंटीग्रेशन में टूटा, ई टू द पावर एक्स sec x dx, ये हो गया पहला, पहले को लिख लिया हमने dx के साथ, दूसरा क्या होगा ई टू द पावर एक्स tan x sec x dx, ये आपका दूसरा वाला हो गया। अब यहाँ पे e टू द पावर, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानेंगे हम, आइलेट से आप जानते हैं कि sec x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकेंड फंक्शन होगा। तो sec x को फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर x को सेकेंड फंक्शन मान के हम समाकलन करेंगे, करिए इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका
sec फर्स्ट फंक्शन यानी sec x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस इसको जैसे है वैसे लिखते आ रहे हैं e टू द पावर x tan x sec x dx। तो आइए देखिए sec x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x होगा माइनस इंटीग्रेशन ये डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू द पावर एक्स टी एक्स। अब यहाँ क्या आया ई सेक एक्स टेन एक्स ई टू द पावर एक्स टी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब देखिए यही यहाँ पर ये प्लस चिन्ह के साथ यहीं माइनस चिन्ह के साथ आपस में ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे। अब ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा सेक एक्स ई टू द पावर एक्स और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ एक कॉन्टेंट सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि वही चीज़ स्पेशल फंक्शन का ये जो क्वेश्चन है इसमें e टू द पावर x रहेगा पहला कंडीशन। दूसरा क्या है दो फंक्शन प्लस माइनस के साथ जुड़े रहेंगे आपस में या हम उनको ऐसा बनाएंगे कि दो फंक्शन ऐसे हों कि एक का डिफरेंशिएशन अगले इंटीग्रेशन में प्रेजेंट हो। तो जिसका डिफरेंशिएशन अगले इंटीग्रेशन में प्रेजेंट है उसी वाले फंक्शन पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लागू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स ये है। अब यहाँ देखिए ई टू द पावर एक्स डी एक्स को ऐसे ही अलग रखिए तो देखिए एक फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन ये है एफ एक्स और एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन यहीं पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है e टू द पावर x यहाँ पे लॉग साइन x और यहाँ पे कॉट x दो फंक्शन दिए हुए हैं। अब देखिए अगर आप इसका कॉट का तो सीधे आपको मालूम है डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग साइन x होता है और लॉग साइन x का भी करेंगे तो कॉट x आएगा। इसका यहाँ तो दिख रहा है सीधे दिख रहा है कि कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग साइन एक्स होता है। तो देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं और इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ हम इससे लगाएंगे क्वेश्चन को ये तो आप इससे घर पे ट्राई करिएगा मैं इससे लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा क्योंकि लॉग साइन एक्स का भी वन अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स तो कॉस बाई साइन हो जाता है यानी कॉट एक्स यहाँ ऑलरेडी क्या है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम इसी से लगाएंगे हम सबसे पहला काम है इसको दो इंटीग्रेशन में चाहे वो प्लस के साथ जुड़े हो या माइनस से दो इंटीग्रेशन में इसको तोड़ लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा e टू द पावर x log sin x ब्रैकेट तोड़ रहे हैं e टू द पावर x log sin x dx। अब ये जो है दूसरे वाले को अलग करेंगे यहाँ पे फिर प्लस चिन्ह e टू द पावर x का गुणा यहाँ करिए e टू द पावर x cot x dx ये हो गया। अब देखिए log sin x अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे मैंने बताया था जिसका इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है तो इस पर कोई प्रोसेस नहीं होगा ये ऐसे के ऐसे पड़ा रहेगा इस पर करेंगे हम। तो यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म जो है सबसे लास्ट का है ये तो उसको हमेशा सेकेंड फंक्शन ही रहना है किसी के भी साथ हो तो यहाँ log sin x है तो हम log sin x को फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अरे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी log sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ log sin x और सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx और फिर पूरे का dx और प्लस ये ऐसे ही छोड़ेंगे हम इसका कुछ नहीं करेंगे e टू द पावर x cot x dx। अब देखिए log sin x
को ऐसे ही लिखा हमने, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन x, तो लॉग में जो कुछ भी रहता है वो बटे में आता है, जैसे आप लिखते हैं ना लॉग x का डी डी एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग x 1/x होता है। अगर यही लॉग साइन x है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, लेकिन फिर साइन का भी करते हैं, वहाँ x का करते हैं तो 1 हो जाता है, साइन का करेंगे तो क्या आएगा, cos x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, लॉग साइन x का हुआ 1/sin x इंटू cos x। तो ये देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ लॉग साइन x का 1/sin x और फिर साइन x का cos x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cot x dx। ये पहले से ही जैसा है वैसा लिखते आ रहे हैं हम। यहाँ e टू द पावर x log sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x e टू द पावर x dx। यहाँ देखिए cos/sin, cos by sin क्या होता है, cot होता है, तो cot x e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cot x dx। यहाँ पे ये माइनस चिन्ह के साथ है, यहाँ पे ये प्लस चिन्ह के साथ है, ये इससे क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, e टू द पावर x log sin x प्लस कॉन्टेंट c। तो चूंकि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्टेंट c जोड़ते हैं, आपको मालूम है जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होता है कॉन्टेंट c क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपने विशेष फलन का समाकलन कैसे करते हैं ये थोड़ा सा आपको केयरफुली करना होगा, विशेष फलन का समाकलन जो है वो कैसे होता है ये मैंने इसमें बताया। अब आप ये उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये देख के क्वेश्चन जो है आपको ये लग रहा होगा कि विशेष फलन का क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बाई वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये है। अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ से देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी हम प्रोसेस करेंगे क्योंकि ये क्या है, किसी क्वेश्चन का पुराना फॉर्म है, आगे अभी इसको थोड़ा प्रोसीड करेंगे तो उसी क्वेश्चन के फॉर्म में ये आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, पुट किया, यहाँ पे देखिए हमने log x इक्वल टू t रख दिया। अब जानते हैं जैसे ही हम रखते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x और इधर dt dx होगा, dx को हमने इस तरफ ले लिया तो 1/x dx इक्वल टू dt, यहाँ डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी टी, एक्स उधर चला गया। अब यहाँ से देखिए लॉग एक्स ये आपका इसमें बेस दिया नहीं रहता है तो हम क्या मानते हैं, ई मानते हैं, यानी लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू टी, तो केवल एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ई पर पावर टी, ये इधर वाला क्या है, ई पे पावर के रूप में चला जाता है और लॉग क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी। तो जहाँ पे एक्स है देखिए वहाँ पे हमने क्या लिखा, x की जगह लिख दिया हमने e टू द पावर t, तो dx का मान क्या आया, dx का मान आया e टू द पावर t dt, ये dx की वैल्यू हो गई और log x को हमने क्या माना, t माना और x इक्वल टू क्या आया, e टू द पावर t। तो सब रखिए यहाँ पे, देखिए log x की जगह हमने क्या रख दिया, log x की जगह हमने रखा t, ये हो गया आपका t, dx की जगह क्या है, dx की जगह भी हमने कह रहा था e टू द पावर t dt और 1/log x यानी log x की जगह t रखेंगे तो 1/1+t पूरे का होल स्क्वायर। और अभी हम इसी तरह के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, स्पेशल फंक्शन जो है, और एग्जांपल 8 में मैंने आपको इसको बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सेम एग्जांपल 8 में जैसे मैंने बताया हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट होके वापस आ गया। थोड़ा सा क्या है, यहाँ हमें लास्ट में इंटीग्रेशन करके टी की वैल्यू पुट कर देनी होगी जो हमने माना था, ठीक है, तो इसको आप करेंगे हम आगे बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर
17, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ये एग्जांपल 8 जैसा लगा हुआ आगे सेम उसी तरह से लग जाएगा। केवल क्या है, अंतर क्या है, यहाँ टी आ गया है, वहाँ क्या था, एक्स था, और लास्ट में पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद टी की वैल्यू हम हटा देंगे, यानी टी हटा देंगे, टी की जगह क्या कर देंगे, एक्स जो माना है उसी से हटाते हैं हम। तो आप देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन में वो काफ़ी अच्छे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर मालूम है तो क्वेश्चन तुरंत ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 17, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1+x2। अब जिन लोगों को मालूम है उनको ये पता है कि ये किसका फॉर्म है, ये 2 tan inverse x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स 1+x2/1-x2, साइन इनवर्स 2x/1+x2, tan इनवर्स 2x/1-x2, तीनों फॉर्म। पहला क्या है, 2 tan inverse x = tan inverse 2x/1-x2, 2 tan inverse x = cos inverse 1-x2/1+x2, 2 tan inverse x = 2। इस क्वेश्चन को हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जिनको मालूम है वो डायरेक्ट इसकी जगह लिख सकते हैं 2 tan inverse x, और फिर tan इनवर्स x का कैसे करते हैं वो। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि में है तो हम इसकी जगह पुट करेंगे, पहले x की जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, और इस वेरिएबल को है जो है वो किस में लाएंगे हम, थीटा में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, tan थीटा पुट किया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x को तो ddx ऑफ x 1 हो जाएगा, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा dx, ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखिए हमने x की जगह अब क्या पुट किया, x इक्वल टू tan थीटा, तो dx इक्वल टू आया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फार्मूला क्या होता है, sin 2a इक्वल टू 2 tan a/1+tan2a। अब देखिए इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, साइन इनवर्स ये हो गया आपका 2 tan थीटा, x की जगह tan थीटा पुट किया हमने, 2 tan थीटा/1+tan2θ, sec स्क्वायर थीटा, अभी dx की जगह क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए ये हो जाता है आपका, यही साइन 2θ है, तो साइन इनवर्स साइन 2θ, ये साइन इनवर्स साइन 2θ, और ये हो गया आपका, वैसे ही रख रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए ये आपका फार्मूला है, तो सीधे फार्मूले से हमने क्या किया, इसकी जगह क्या लिख दिया, sin 2θ। अब जरा यहाँ देखिए, sin इनवर्स sin रहता है या sin sin इनवर्स, दोनों क्या होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ क्या बचा, 2θ बचा, और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो देखिए 2 कॉन्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, तो 2 को हम बाहर ले जाएंगे यहाँ पे,
ऊपर वाला भी दिखाई देगा आपको थोड़ा सा। देखिए यही है 2θ sec² θ, यही बचा है हमारे पास। तो हम 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले जाएंगे, यहाँ बचेगा θ sec² θ। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, करिए इंटीग्रेशन। फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप जानते हैं ILATE, ILATE के हिसाब से थीटा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और sec² θ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। अब फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec² θ माइनस एक इंटीग्रेशन का सिंबल और कर्ली ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ d θ θ, और सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec² θ d θ, और पूरे का फिर इंटीग्रेशन यानी d θ। यहाँ पे देखिए, टू इंटीग्रेशन, टू ब्रैकेट में थीटा ऑलरेडी है, वहाँ पे ऐसे ही लिख लिया हमने sec² θ का इंटीग्रेशन tan θ माइनस यहाँ d θ θ, यानी इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे sec² θ का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec² θ का इंटीग्रेशन होगा आपका tan θ। तो ये हो गया आपका 1 और sec² θ का इंटीग्रेशन tan θ d θ। अब देखिए थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 इसका आपका tan θ हुआ, यहाँ ये आपका हुआ इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ d θ का 1 हुआ था और sec² θ का tan θ। तो tan θ का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec θ, 3 होते हैं, माइनस log cos θ भी होता है या log sec θ होता है। तो हम यहाँ पे log sec θ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें वैल्यू अभी थीटा को हटाना होगा। तो देखिए इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, 2 का हम गुणा कर दे रहे हैं, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो ये 2θ tan θ हो जाएगा। यहाँ -2 log और sec θ को लिख सकते हैं √1 tan²θ। क्यों 1 tan²θ इक्वल टू होता है sec²θ, तो दोनों तरफ का रूट लेंगे, तो इधर √1 tan²θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec θ। तो हम sec θ की जगह क्या लिखेंगे, √1 tan²θ, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होगा प्लस एक कॉन्टेंट सी आ जाता है। अब सबका मान पुट करेंगे हम यहाँ पे। देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x = tan θ माना था। तो देख लीजिए सबका क्या आएगा, यहाँ अब हम थीटा को हटाएंगे, हटाइए थीटा को। हमने माना था यहाँ देख लीजिए, पहले एक एक x = क्या माना था, x = tan θ। तो आप जानते हैं tan inverse x = क्या हो जाएगा, थीटा। जो कोण नहीं मालूम रहता इन्वर्स के रूप में लिख देते हैं। तो जहाँ थीटा है वहाँ क्या आ जाएगा, tan inverse x। तो देखिए यहाँ पे 2θ है, तो यहाँ 2 tan inverse x हो गया, और जहाँ पे tan θ है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ tan θ है, tan θ की जगह x, -2 log। यहाँ पे देखिए √1 tan²θ, तो √1 tan θ की जगह क्या है, x, तो √1 x² प्लस कॉन्टेंट सी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ देख लीजिए, ये आपका ये हो गया आपका 2x tan inverse x -2 log ब्रैकेट में 1 x² पूरे पावर हाफ प्लस सी। अब यहाँ m^n का फार्मूला लागू कर देंगे, क्योंकि 1 x² पे पावर कितना है, 1/2, तो यहाँ n log m हो जाएगा, यानी जो इसका पावर है वो बगल में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x tan inverse x -2 × 1/2, अब ये n log m है, तो 1/2 log 1 x² प्लस कॉन्टेंट सी। अब ये दो, इस दो से क्या हुआ, कट गया, तो 2x tan inverse x -log 1 x² प्लस कॉन्टेंट सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ।
कैसे इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें हेल्प लेना है, उसकी मदद से हमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम यूज करके कैसे क्वेश्चन को करेंगे, वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इन्वर्स 3x-x³, देख लीजिए 3x-x³ अपॉन 1-3x²। अब ये भी देखिए फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये इसको लिखा जा सकता है 3 tan inverse x, tan इनवर्स x, tan 3a का जो सूत्र होता है उसी सूत्र पे ये है। तो tan 3a का सूत्र क्या होता है, 3 tan a - tan³ a / 1 - 3 tan²a। तो अब हम x की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे, हम ऐसा पुट करेंगे कि tan इनवर्स tan ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, tan 3a आ जाना चाहिए। सीधे यहाँ x की जगह tan थीटा पुट करेंगे हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan 3θ और tan tan क्या होगा, tan इनवर्स और tan ख़त्म हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में। तो देखिए हम पुट कर रहे हैं, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x इक्वल टू tan थीटा। आपको मालूम है अभी पीछे ही किया था हमने, dx(x)1 हो जाएगा और tan थीटा का sec²θ, थीटा का dθ dx, तो हमने सीधे यहाँ पे लिख लिया है आपका dx(sec²θ dθ, यानी dx की जगह sec²θ dθ आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम, x की जगह हमने क्या पुट किया, tan थीटा, तो ये हो गया 3 tan θ - tan³θ अपॉन 1-3 tan²θ, और dx की जगह हो जाएगा sec²θ dθ। अब ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये हो गया tan 3θ sec²θ dθ। अब यहाँ पे देखिए ये tan 3θ का फार्मूला है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, tan 3θ लिख देंगे, तो यानी tan इनवर्स tan 3θ sec²θ। अब ये हो गया आपका 3θ, अब ये tan इनवर्स tan थीटा ख़त्म, तो इसकी जगह क्या आ गया, 3θ sec²θ dθ। 3 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर करिए, तो 3 बाहर हो गया, थीटा sec²θ, पीछे जैसे हमने किया वही इंटीग्रेशन है। तो ये हो गया आपका थीटा को फर्स्ट फंक्शन और sec²θ को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec²θ dθ माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d dθ θ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी sec²θ dθ, और फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन यानी dθ। अब यहाँ से देखिए थीटा sec²θ का क्या होगा, tan थीटा माइनस d dθ θ, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये 1 हो गया, sec²θ का tan थीटा dθ। अब देखिए ये ऐसे ही है, थीटा tan थीटा माइनस log, अब tan थीटा का क्या होता है, log sec θ, tan x का क्या होता है, log sec x, तो यहाँ tan थीटा का क्या होगा, log sec θ, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ प्लस एक कॉन्टेंट सी। तो आया क्या यहाँ पे, आया आपका, अब चूंकि sec थीटा का मान हम क्या करेंगे, हम tan थीटा का मालूम है, तो उसी रूप में इसको लिख लेंगे, अभी पीछे किया था हमने, ये थीटा tan थीटा माइनस log ब्रैकेट में 1+tan², क्योंकि sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, √1+tan²θ, तो यहाँ रूट को हम लिख दे रहे हैं पावर के रूप में, तो 1+tan²θ पूरे पावर 1/2।
देखिए लास्ट में है हम, ये आपका अब सबका मान रख रहे हैं, थ्री का थ्री को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थीटा की जगह क्या है, थीटा हमने किसको माना है, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए जहाँ थीटा है वहाँ हम टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, और एक्स इक्वल टू हमने क्या माना था, टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह क्या है, एक्स। तो टेन थीटा की जगह एक्स और थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वन बाई टू है पहले से, ये फार्मूला लागू कर देंगे एम टू द पावर एन का। तो लॉग एम टू द पावर एन का एन लॉग एम होता है, तो एक बटे दो बगल में आ जाएगा, पीछे हमने किया था तीन का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्टेंट सी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उचित प्रतिस्थापन करके हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ईजी कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बदल जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसकी मदद से सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आज बस यहीं तक हम रहने देंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम